नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परपोती को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 56 वर्षीय आशीष लता राम गोविंद को सोमवार को डरबन की अदालत ने 6 मिलियन दक्षिण अफ्रीकी रैंड के फ्रॉड केस में दोषी पाया और 7 साल की जेल की सजा सुनाई। खुद को कारोबारी बताने वाली लता ने स्थानीय कारोबारी एसआर महाराज से धोखे से 6 मिलियन दक्षिण अफ्रीकी रैंड से अगर रुपए में बोले तो 3,22,84,460 भारतीय रुपए हड़प लिए थे। धोखाधड़ी का शिकार हुए कारोबारी के मुताबिक लता ने उन्हें मुनाफे का लालच देकर उनसे पैसे लिए थे। लता पर बिजनेसमैन एसआर महाराज को धोखा देने का आरोप लगा था। दरअसल महाराज ने लता को एक कंसाइनमेंट के इंपोर्ट और कस्टम क्लियर करने के लिए ये पैसे दिए थे, लेकिन ऐसा कोई कंसाइनमेंट था ही नहीं। लता ने वादा किया था कि वो इसके मुनाफे का हिस्सा एसआर महाराज को दे देंगी। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि लता राम गोविंद प्रसिद्ध राइट एक्टिविस्ट इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। साल 2015 में जब लता राम गोविंद के खिलाफ इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ था तो नेशनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी जिसे एनपीए कहते हैं, तो एनपीए के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलौदजी ने कहा था कि आशीष लता राम गोविंद ने संभावित निवेशकों को कथित रूप से जाली चालान और दस्तावेज दिए थे, जिसके जरिए वह निवेशकों को बता रही थी कि लिनन के 3 कंटेनर भारत से भेजे जा रहे हैं। उस समय लता राम गोविंद को 50,000 रैंड के मुचलके पर जमानत भी मिल गई थी। हालांकि सोमवार को इस मामले में उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि लता ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। महाराज की कंपनी लिनन के कपड़े जूते का इंपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी बिक्री भी करती है। महाराज की कंपनी दूसरी कंपनियों को प्रॉफिट शेयर के आधार पर पैसे भी देती है। लता राम गोविंद ने महाराज से कहा था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी अस्पताल ग्रुप नेट केयर के लिए लिनन के कपड़े के 3 कंटेनर इंपोर्ट किए हैं। एनपीए की प्रवक्ता नताशा कारा ने सोमवार को बताया कि लता राम गोविंद ने कहा था कि उन्हें इंपोर्ट लागत और सीमा शुल्क, इंपोर्ट कॉस्ट और कस्टम्स का भुगतान करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बंदरगाह पर सामान खाली करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसके बाद लता राम गोविंद ने महाराज से कहा कि वह उन्हें 6.2 मिलियन रैंड दे दें। उन्हें समझाने के लिए से संबंधित जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने दिखाए, जिसमें माल की खरीद से संबंधित दस्तावेज थे। इसके 1 महीने बाद फिर से लता राम गोविंद ने एसआर महाराज को एक और दस्तावेज भेजा जो नेट केयर चालान था, जिससे ये पता चलता था कि माल डिलीवर तो हो गया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके आगे कारा ने कहा कि लता राम गोविंद ने नेट केयर के बैंक खातों से संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए दावा किया था कि पेमेंट की जा चुकी है। राम गोविंद गांधी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स भी थे इसे सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए महाराज ने उन्हें लोन देने के लिए एक रिटन अग्रीमेंट भी किया। हालांकि जब महाराज को पता चला कि दस्तावेज जाली थे और नेट केयर का लता राम गोविंद के साथ कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ऐसा कोई समझौता वाकई में कभी किया ही नहीं था, तो उन्होंने आपराधिक केस दर्ज कराया, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई हुई है। बहरहाल इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।